खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। अशोकनगर मद्य निषेध सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत रैली का आयोजन। सामाजिक न्याय निशक्त जन कल्याण विभाग के तत्वाधान में जय श्री प्रेम सागर विद्या मंदिर एवं निर्धन बाल कल्याण समिति अशोकनगर द्वारा मद्य निषेध सप्ताह कार्यक्रम 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2019 तक के तहत 3/10/2019 को मध्य निषेध हेतु रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ श्री प्रेम सागर विद्या मंदिर से डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। रैली पूरी बस स्टैंड से होते हुए वापस विद्यालय में विराम हुई। रैली के दौरान संस्था सदस्यों द्वारा पंपलेट वितरण कर लोगों को नशा ना करने हेतु जागरूक किया गया। इस अवसर पर हमारे कार्यक्रम संचालक एवं संस्था सचिव श्री जगदीश यादव एवं श्रीमती उर्मिला यादव, श्री राधे पर्यावरण महिला मंडल अध्यक्ष एवं कुमारी मधु यादव, सचिव पूर्व NYVNYKS संस्था सदस्य एवं श्रीमती कमला सोनी, श्रीमती अंजना जैन एवं आशीष यादव, शिक्षक रामकुमार यादव, पिंकी अहिरवार, अनिकेत अहिरवार एवं संस्था सदस्य उपस्थित थे। 2 अक्टूबर से महात्मा गांधी के जन्म दिवस से 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मध्य से सप्ताह का आयोजन किया गया था, जिसे सामाजिक न्याय के तत्वाधान में संस्था करती है। संस्था को मान्यता प्राप्त है सामाजिक न्याय द्वारा। ये कार्यक्रम जो हैं ये कब कब होते हैं और इससे जो है आम जन को क्या लाभ होगा और इसका करने का उद्देश्य क्या है? इससे जनता को मोटिवेट किया जाता है कि वो है ना नशे से दूर रहें और नशे से होने वाली बीमारियों दुष्परिणामों को हम जनता के सामने रखते हैं और जो रैली द्वारा जनता को बताते हैं होट्स लगा करके कि इनसे तरह तरह की बीमारी होती है। नशा अगर व्यक्ति छोड़ेगा तो उससे बहुत से लाभ होंगे और वो उसका जीवन है ना सुखमय बीतेगा, नहीं तो उसका जीवन बड़ा दुष्कृत हो जाएगा। अच्छा, इसमें आप जो है कार्यक्रम में किन किन लोगों को आमंत्रण भेजते हैं, बुलाते हैं और इसमें कितने बच्चे शामिल थे रैली में? रैली में 60 बच्चे शामिल थे, बड़े बड़े जो 9th 10th और 8वीं के कक्षा 8 में अध्ययनरत हैं और हमारे जो संस्था के सदस्य हैं और स्कूल के जो शिक्षक गण हैं, ये सारे लोग उसमें सम्मिलित होते हैं और किसी सामाजिक व्यक्ति को बुला करके उसके द्वारा हम हरी झंडी दिखाकर रैली को का शुभारम्भ करते हैं। ये कार्यक्रम हमारा 2 से लेकर 8 अक्टूबर चलता रहे है, जिसमें नए नए कार्यक्रम होते रहेंगे। अभी कल 3 तारीख को रैली निकल गई, 2 तारीख को हमने रथ यात्रा निकाली, जिसे है ना अशोकनगर जिले के डिप्टी कलेक्टर ने हरी झंडी बता करके रवाना किया, जो शहर शहर घूमी। मेरा नाम जगदीश प्रसाद यादव। तो समिति का नाम जय श्री प्रेम सागर विद्या मंदिर निर्धन बाल कल्याण समिति, जिसे सामाजिक न्याय द्वारा मान्यता प्राप्त है 2008 से और लगातार 2008 से आज तक नशा मुक्ति क्षेत्र में और विकलांगों के क्षेत्र में हमारी संस्था कार्यरत है। अच्छा, ये थे अपने संचालक महोदय अशोकनगर जिले श्री वरुण कुमार भसीन की रिपोर्ट। खबर समय जगत के लिए अशोकनगर से वरुण कुमार की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।